वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त अमित। हमारे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीटीसी बस रूट 794A की। दोस्तों, बस रूट 794A निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से द्वारका सेक्टर 10 तक जाती है। इस दौरान ये बस 63 स्टॉप कवर करती है और इस बस की सुबह चलने की जो टाइमिंग है, सुबह 7:25 से रात 10:30 बजे तक ये बस चलाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस बस के पूरे 63 स्टॉप इस वीडियो के आगे बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा आने वाली डीटीसी बसों की सभी रूटों की जानकारी आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। और अब बात करते हैं इस बस के रूट की। तो इसका पहला स्टॉप जहां से ये बस चलाई जाती है दोस्तों, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है राजपूत होटल। इसके बाद जो स्टॉप आता है भोगल। अब जो स्टैंड आता है भोगल जंगपुरा। अगला स्टैंड जो आता है निजामुद्दीन स्टेशन। इसके बाद जो स्टैंड आता है पुलिस स्टेशन निजामुद्दीन दरगाह। और अब बढ़ते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल नियर नीला गुंबद। इसके बाद जो स्टॉप आता है इस्पत भवन। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है प्रगति विहार। और अब बढ़ते हैं दोस्तों बस रूट 794A के अगले स्टॉप की ओर, जो कि आता है सेंट्रल स्कूल लोधी कॉलोनी। इसके बाद जो स्टॉप आता है लोधी कॉलोनी मार्केट। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है लोधी कॉलोनी। अब जो स्टैंड आता है जोरबाग। अगला स्टैंड जो आता है जोरबाग मेट्रो स्टेशन। फिर जो स्टैंड आता है सफदरजंग एयरपोर्ट। और अब बढ़ते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है INA मार्केट। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है किडवाई नगर। इसके बाद जो स्टॉप आता है सफदरजंग हॉस्पिटल। फिर जो स्टॉप आता है राजनगर। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है नरोजी नगर। इसके बाद जो स्टॉप आता है अफ्रीका एवेन्यू। दोस्तों, अगर आप भी डीटीसी बसों में रोजाना ट्रैवल करते हैं स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाने के लिए, तो और आपको बसों में बैठे कंडक्टर से रोजाना टिकट लेनी पड़ती है, तो अब आप भी अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन टिकट या पास ले सकते हैं, जिससे आपको बसों में बैठे कंडक्टर से रोजाना टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। बस आपको अपने मोबाइल फोन पर चार्टर ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और इस ऐप को इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। इस ऐप पर आप अपना नाम और नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, चार्टर ऐप के QR कोड दिल्ली की हर DTC बसों में उपलब्ध होते हैं, जिसे आप स्कैन करके टिकट या पास ले सकते हैं। DTC बसों में महिलाओं के लिए जो डेली फ्री पिंक पास बनता है, वो पास भी आप इस ऐप के जरिए ले सकते हैं। दोस्तों, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है। अब जो स्टैंड आता है गेल भिकाजी कामा प्लेस। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है हयात होटल। इसके बाद जो स्टॉप आता है RK पुरम सेक्टर 12। अब जो स्टैंड आता है साउथ मोती बाग रिंग रोड। अगला स्टैंड जो आता है मोती बाग गुरुद्वारा नानकपुरा। फिर जो स्टैंड आता है सत्य निकेतन। और अब चलते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है धोला खान ARSD कॉलेज। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है धोला कुआं। इसके बाद जो स्टॉप आता है गोल्फ क्लब। अब जो स्टैंड आता है अर्जुन विहार। अगला स्टैंड जो आता है राज रिफ सेंटर। इसके बाद जो स्टैंड आता है कैरियप्पा विहार। न्यू इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं और आने वाले कुछ महीनों में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें होंगी दिल्ली की सड़कों पर। तो अब आप भी अपने मोबाइल फोन से इन DTC और AC इलेक्ट्रिक बसों की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। किसी भी बस स्टॉप पर पहुंचने वाली DTC और इलेक्ट्रिक बस को ट्रैक कर सकते हैं। इन बसों के रियल टाइम टेबल, बस रूट और बसों के नंबर की पूरी जानकारी आप अपने मोबाइल फोन के गूगल मैप पर देख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं दोस्तों बस रूट 794A के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है खिमैया पार्क। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है थिमैया पार्क। इसके बाद जो स्टॉप आता है कीर्बी प्लेस। अब जो स्टैंड आता है सप्लाई बस डिपो। अगला स्टैंड जो आता है जेल रोड 399। फिर जो स्टैंड आता है नानागल राय। और अब चलते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है लाजवंती गार्डन। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है डी ब्लॉक जनकपुरी। इसके बाद जो स्टॉप आता है सागरपुर। और अब चलते हैं दोस्तों बस रूट 794A के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है देसु कॉलोनी जनकपुरी। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है जनक सिनेमा। इसके बाद जो स्टॉप आता है रघुनगर। अब जो स्टैंड आता है डाबरी मोर। अगला स्टैंड जो आता है सीतापुरी स्टेशन। फिर जो स्टैंड आता है न्यू द्वारका रोड सीतापुरी। और अब चलते हैं दोस्तों इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है द्वारकापुरी। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है विजय इंक्लेव। इसके बाद जो स्टॉप आता है महावीर इंक्लेव Part 2 & 3। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जो कि काफी ज्यादा एडवांस हैं। इन बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन, GPS और खास तौर से महिलाओं के लिए पिंक सीटें दी गई हैं, दिव्यांगों के लिए नीलिंग रैम की सुविधा
और दोस्तों सबसे खास बात इन बसों के चलने पर, ये बसें किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं करती हैं। 0% पोल्यूशन के साथ ये बसें दिल्ली की सड़कों पर चलाई जा रही हैं। और दोस्तों आपने दिल्ली की इन इलेक्ट्रिक बसों में ट्रैवल तो ज़रूर किया ही होगा, तो अगर आप भी अपना इलेक्ट्रिक बसों को लेकर जो भी अपनी राय या ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऑडियो या वीडियो के माध्यम से, जिसे हम अपने चैनल दिल्ली DTC पर दिखाएंगे। हमारा जो मेल आईडी है dillydtcinfo@gmail.com, जिसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने चैनल के अबाउट पर भी दे दिया है। और अब बढ़ते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है SFS फ्लैट Sector 2 पावर हाउस। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है द्वारका Sector 1 महालक्ष्मी अपार्टमेंट। इसके बाद जो स्टॉप आता है JM इंटरनेशनल स्कूल। अब जो स्टैंड आता है द्वारका Sector 2 & 6 डिपो। अगला स्टैंड जो आता है Sector 5। फिर जो स्टैंड आता है केंद्रीय अपार्टमेंट। अब जो स्टॉप आता है Sector 6/10 क्रॉसिंग। अगला स्टॉप जो आता है Sector 10 क्रॉसिंग। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। और अब चलते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है द्वारका Sector 10 मुथुट हॉस्पिटल। और दोस्तों लास्ट स्टॉप जो आता है द्वारका Sector 10 क्रॉसिंग तक ये बस जाती है। और अब बात करते हैं दिल्ली में चलाई जाने वाली DTC AC क्लस्टर बसों के किराए की। DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है। इनका किराया है ₹5, ₹10, ₹15। DTC की नॉन AC बस का पास ₹40 का बनता है, जिसे आप चार्टर ऐप के QR कोड को स्कैन करके भी ले सकते हैं। दोस्तों AC बसों का किराया है ₹10, ₹15, ₹20, ₹25। इस बस का डेली पास ₹50 का बनता है। इस पास को भी आप चार्टर ऐप के जरिए ले सकते हैं, जो कि DTC की नॉन AC बस और AC बसों में चलेगा। और दोस्तों हमारी पिछली वीडियो DTC बस रूट 199 पर थी, जो कि समयपुर बादली रेलवे स्टेशन से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।